हेलो गाइस, मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में ग्रेव डिगर एक्सेल SMT10 की अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। ये कार का प्राइस है 30,000 रुपीज। तो आज मैं इसकी फाइट कराने वाला हूँ टोयोटा मेटल ट्रक के साथ। चलो गाइस, पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। इस डिब्बे को मैंने यहाँ पे रख दिया है। पहले इसका डिब्बा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका नाम लिखा है SMT10। मेरे पास इसी तरह की एक और ग्रेव डिगर भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो जो कार है ना, इसे बहुत छोटे साइज की है और उसका प्राइस जो है सिर्फ 6,000 है। इसका प्राइस 30,000 रुपीज है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई RC कार लिमिटेड वारंटी के साथ आ रही है। भाई साहब, इस तरह का ESC मिलता है और ये जो ESC है पूरी तरीके से वाटर प्रूफ है। इस तरह की मोटर मिल जाती है, इसके अंदर 550 साइज की मोटर दे रखी है। इसका मतलब ये है कि कार जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाली है। बॉक्स को मैं इस तरफ से खोल देता हूँ गाइस फटाफट से। आज इसकी एकदम तगड़ी वाली टेस्टिंग मैं करने वाला हूँ। सबसे पहले मिलता है हम लोगों को इसका रिमोट कंट्रोलर। स्टीयरिंग बहुत ही ज्यादा टेक्टाइल है। ओ भाई साहब, कंट्रोल्स देखो कितने ढेर सारे दे रखे हैं। यहाँ से हम इसको 50% पे चला सकते हैं, 75% पे चला सकते हैं, 100% पे चला सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये इसके तीन गियर्स हैं। तीनों गियर्स में हम लोग अलग अलग स्पीड में इस कार को चला सकते हैं। तो और देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें मिली है। ओ भाई, चीजें तो भर भर कर दे रखी है। अच्छा, ये इसके कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स मिले हैं और भी चीजें गाइस, देखो आप हैरान रह जाओगे इसके पार्ट्स देखकर। ओ माय गॉड, पता नहीं यार क्या क्या दे रखा है इन लोगों ने। देखो इतनी ढेर सारी चीजें मैंने आज तक कोई भी RC कार के अंदर नहीं देखी है। ये पार्ट्स भी दे रखे हैं और इसके बहुत सारे टूल्स भी है। यहाँ पर है इसकी इतनी बड़ी यूजर मैनुअल, देखो यार कितने ढेर सारे पेपर्स है इसके अंदर। ओ भाई, अभी निकालते हैं हमारी ग्रेव डिगर को। नीचे से निकालते हैं यहाँ से अपन। ये देखो गाइस, आ गई हमारी एक्सियल ग्रेव डिगर SMT10। तो ये भी हटा देते हैं गाइस इसके ऊपर से। ओ माय गॉड, इसका साइज देखो यार कितना ज्यादा बड़ा है। अंदर एक ड्राइवर भी बैठा है। ये है ग्रेव डिगर फ्री स्टाइल फोर्स RC कार। इसके बारे में तो आपको पता होगा गाइस, ये कार कितने कमाल कमाल के स्टंट कर सकती है। आज हम लोग देखने वाले हैं ये कार क्या क्या कर सकती है। फिलहाल चलो गाइस, इसके सारी के सारे डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। ऊपर की तरफ ग्रेव डिगर लिखा है और यहाँ पर एक देखो यार स्कल भी उतारा है। यहाँ पे लिखा है 4-time चैंपियनशिप भी रह चुकी है ग्रेव डिगर RC कार। यहाँ पर इसका ये जो फ्रेम है ना यार, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से इन लोगों ने बिल्ड कर रखा है। तो सबसे पहले इसके व्हील्स मैं आपको बता देता हूँ। व्हील्स का साइज देखो कितना ज्यादा बड़ा दे रखा है। BKT के व्हील्स है। व्हील्स बहुत ही ज्यादा फ्लफी है और इसके ऊपर ग्रिप तो देखो यार कितनी ज्यादा तगड़ी बना रखी है इन लोगों ने। शॉक एब्जॉर्बर्स का साइज देखो बहुत ज्यादा बड़ा है। ये कार पूरी की पूरी प्लास्टिक की बनाई गई है और इसके अंदर जो प्लास्टिक है बहुत ही ज्यादा मजबूत प्लास्टिक यूज किया गया है। अभी इसके पार्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, मैंने हटा दिया है। इसका फ्रेम देखो यार, ऐसे भी हम लोग इस कार को चलाएंगे तो काफी मजा आने वाला है। तो अंदर यहाँ पर मिल जाती है इसकी मोटर, 550 मोटर दे रखी है। ESC यहाँ से आप देख सकते हो। ऑन ऑफ स्विच यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर सामने इसके अंदर मेटल का सर्वो लगाया गया है। देखो यार, इस तरह का सर्वो मैंने आज से पहले कोई भी कार के अंदर नहीं देखा है। ये सर्वो जो है व्हील्स को लेफ्ट या फिर राइट टर्न करने में मदद करता है। नीचे की तरफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसका एक्सल है। कार के अंदर इस तरह के एग्जॉस्ट मिल जाते हैं और ये पूरी तरीके से क्रोम प्लेटेड कर रखे हैं। आपको बताता हूँ इसके शॉक एब्जॉर्बर कितने ज्यादा कमाल के हैं। देखो गाइस, इसको मैं इतनी नीचे तक प्रेस कर रहा हूँ, सारा का सारा जो रेजिस्टेंस है इसके 4 शॉक एब्जॉर्बर यहाँ पर झेल रहे हैं। तो गाइस, ये है हमारी टोयोटा मेटल ट्रक। देखो यार, ग्रेव डिगर के साइड में मैंने इसको रख दिया है, फिर भी अपनी जो ग्रेव डिगर है इसके मुकाबले में काफी ज्यादा बिग साइज की दिखाई दे रही है। इसके बारे में तो आपको पता होगा, इसके अंदर जितनी भी चीजें मिलती है सारी की सारी जो है गाइस मेटल की बनाई गई है। एक बार मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये कार बहुत कमाल तरीके से चल सकती है और ये भी जो कार है पूरी तरीके से 4x4 है। यहाँ पर देखो यार, इसकी मोटर, इसका ESC, सारी की सारी जो चीजें मेटल की दी गई है और इसके अंदर 2 गियर्स भी मिल जाते हैं। हम इसको फर्स्ट गियर में और सेकंड गियर में भी चला सकते हैं। व्हील्स इस तरह के मिल जाते हैं, पूरी तरीके से ऑफ रोड में चलाने के लिए बनाई गई है ये कार। ऊपर की तरफ यहाँ पर है इसका बैटरी कंपार्टमेंट। कार के अंदर हम लोगों को कोई भी बैटरी नहीं मिलती है, चार्जर नहीं मिलती है। बैटरी हम लोगों को खुद से ही खरीद के डालनी पड़ती है। यहाँ पर मैंने बैटरीज ले ली है। ये बैटरी डालूंगा ग्रेव डिगर के अंदर और ये वाली बैटरी डालूंगा टोयोटा मेटल ट्रक के अंदर। चलो गाइस, फटाफट से कराते हैं तीनों के बीच में फाइट। देखते हैं गाइस तीनों में से आज कौन जीतता है और ये भी देखेंगे अपनी SMT10 इन दोनों कार्स को हरा पाती है या नहीं। लेट्स गो एंड फाइट। एक्सेल ग्रेव डिगर को सबसे पहले टेस्ट करके देख लेते हैं। ओ भाई, काफी ज्यादा तेज है यार ये कार तो। और इसके मोटर के अंदर से आवाज तो सुनो, बिल्कुल एक जेट इंजन जैसी आ रही है। ब्रेक्स तो ओ माय गॉड, बहुत ही खतरनाक वाले दे रखे हैं और इसके अंदर पावर इतनी ज्यादा है कि ये व्हीली तक मारने लग रही है। यहाँ पर इसकी कंट्रोलिंग भी टेस्ट कर लेते हैं। ओ माय गॉड, इसको टर्न कराने के लिए पूरी की पूरी रोड चाहिए यार। अभी टेस्ट करते हैं टोयोटा मेटल ट्रक को। फिलहाल इस कार को मैं फर्स्ट गियर में चला रहा हूँ, बिना कोई दिक्कत के बहुत ही आराम से चल जाती है। टर्निंग रेडियस भी इस कार का बहुत ही ज्यादा कम है। अभी एक
काम करते हैं, इसको सेकंड गियर में डालते हैं, देखते हैं किस तरह से चलती है। सेकंड गियर में भी बहुत ही कंट्रोल में रहकर चलती है, इसकी स्पीड भी अच्छी खासी है। अभी टेस्ट करते हैं ग्रेव डिगर फ्री स्टाइल को, उसकी जो पावर है अलग लेवल की दे रखी है। हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से स्टंट करा सकते हैं, फ्रंट व्हीली मारते मारते 360 डिग्री भी इसको घुमा सकते हैं। अभी देखकर बैक व्हीली में मार के आपको दिखाने वाला हूँ। देखो गाइस, बस एक बटन दबाना होता है रिमोट कंट्रोलर के अंदर, ये क्या ही जबरदस्त तरीके से अपने आप को बैलेंस करती है, व्हीली वगैरह मार सकती है, 360 डिग्री घूम सकती है। तो दोस्तों रेस कराते हैं इन दोनों कार्स के बीच में, देखते हैं रेस में कौन सी कार यहाँ पर जीतती है। अभी लगभग दोनों को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चला रहा हूँ। अभी ऐसा लगता है दोनों के अंदर जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई है, ग्रेव डिगर देखो यार बिल्कुल एक रॉकेट की तरह आगे की तरफ निकल चुकी है। ग्रेव डिगर की टॉप स्पीड जो 60 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, ग्रेव डिगर जीत चुकी है इस रेस को। अभी देखते हैं टोयोटा ट्रक अपनी हार का बदला ले पाती है नहीं। दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर करा रहा हूं मैं, दोनों के अंदर सेम पावर लग रही है गाइस, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी खींच नहीं पा रहे। एक काम करते हैं ग्रेव डिगर के अंदर मैंने जैसे ही थर्ड गियर डाला है, देखो गाइस ये बुरी तरीके से टोयोटा ट्रक को अपनी तरफ खींचना चालू कर चुकी है। यहाँ पर कितनी ज्यादा धूल मिट्टी उड़ा रही है अपनी ग्रेव डिगर आरसी कार, ओ माय गॉड धूल चटा के रख दिया यार इसने तो टोयोटा ट्रक को। सच में गाइस ग्रेव डिगर का जो थर्ड गियर है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अभी यहाँ पर बड़ी ग्रेव डिगर और छोटी ग्रेव डिगर के बीच में पुशबैक कराते हैं, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। सरप्राइजिंगली यहाँ पर छोटी ग्रेव डिगर ने देखा और बड़ी ग्रेव डिगर को नीचे पटक के रख दिया। छोटी ग्रेव डिगर भी यहाँ पर गिरने वाली थी पर इसकी बैलेंसिंग देखो यार इतनी ज्यादा गजब की है, बहुत आसानी से जीत चुकी है छोटी ग्रेव डिगर। अभी दोनों के बीच में थक ऑफ वॉर भी करा के देख लेते हैं यहाँ पर कौन जीतता है। जैसे ही मैंने दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट की है अचानक से देखो और बड़ी ग्रेव डिगर ने छोटी ग्रेव डिगर को खींचना चालू कर दिया। यहाँ पर छोटी ग्रेव डिगर इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि बड़ी ग्रेव डिगर को रोक सके, क्लियरली यहाँ पर बड़ी ग्रेव डिगर ने आसानी से हरा के रख दिया है छोटी ग्रेव डिगर को। अभी यहाँ पर मैं क्लाइंबिंग टेस्ट करने वाला हूँ, ये देखो गाइस कितना बड़ा मिट्टी का पहाड़ है, शायद इसकी 70 डिग्री की एंगल होगी। सबसे पहले छोटी ग्रेव डिगर आगे देखते हैं गाइस ये ऊपर की तरफ क्लाइंब कर पाती है नहीं, ओ माय गॉड क्लाइंब करने ही वाली थी पर देखो गाइस इसका बैलेंस खराब होने के कारण ये नीचे गिर चुकी है। टोयोटा ट्रक को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं गाइस ये क्लाइंब कर पाती है नहीं। ग्रिप तो अच्छी खासी दे रखी है यार इसके व्हील्स के अंदर पर फर्स्ट गियर में तो ये यहाँ पर देखो स्किड कर रहे हैं इसके व्हील्स। एक काम करते हैं सेकंड गियर लगा के देखते हैं अभी चढ़ पाती है नहीं, ओ माय गॉड इसकी तो बैटरी निकल गई यार, इसके अंदर उतनी ज्यादा पावर नहीं है कि ये 70 डिग्री की एंगल पर क्लाइंब कर सके। अभी फाइनली टेस्ट करते हैं हमारी बड़ी वाली ग्रेव डिगर आरसी कार को, देखते हैं गाइस ये क्लाइंब कर पाती है नहीं, ओ माय गॉड इसकी पावर बहुत ही ज्यादा कमाल की और इसके व्हील्स के अंदर ग्रिप भी बहुत ही ज्यादा मस्त है। देखो गाइस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यार इसने तो यहाँ पर क्लाइंब कर लिया है बहुत ही आसानी से। अभी यहाँ पर दलदल वाला टेस्ट करेंगे गाइस, देखते हैं दलदल में कौन सी कार परफेक्ट तरीके से चल सकती है। ग्रेव डिगर को मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ये बड़ी वाली ग्रेव डिगर है, देखते हैं गाइस किस तरह से ये चल पाती है। भाई साहब क्या ही गजब की पावर दे रखी है इसके अंदर, देखो गाइस एक सेकंड के अंदर ही ये कीचड़ के अंदर से भी निकल चुकी है। अभी टेस्ट करते हैं टोयोटा ट्रक को, इसको भी मैंने कीचड़ के अंदर डाल दिया है। चलो गाइस अभी इसको चलाते हैं, ये ट्रक भी देखो यार बहुत आसानी से कीचड़ के अंदर भी चल सकता है। फर्स्ट गियर में ही मैं यहाँ पे इसको चला रहा हूँ, बहुत आराम से ये चल रहा है। तो इसको मैं चलाते चलाते यहाँ पर देखो गाइस पत्थरों में लेके आ चुका हूँ। तो इसके साथ ऑफ रोडिंग भी करके देख लेते हैं, बहुत ही कम ट्रक या फिर बहुत ही कम आरसी कार जो है इस तरह के टेरेन में चल पाती है, कितनी भी गड्ढे आ जाए ये कार बहुत आराम से चल जाती है। अभी एक्सेल एसएमटी ग्रेव डिगर को भी टेस्ट करते हैं गाइस, पत्थरों पर से और गड्ढों में से बहुत आराम से चल रही है और यहाँ पर आप इसको फास्ट मतलब हाई स्पीड में भी चला सकते हो, हाई स्पीड में भी ये कार जो है ऑफ रोड में बहुत कमाल तरीके से चल सकती है। अभी यहाँ पर ड्रिफ्ट टेस्ट में करने वाला हूँ, देखते हैं गाइस कौन एकदम तगड़े तरीके से ड्रिफ्ट मार सकता है। भाई साहब बड़ी वाली ग्रेव डिगर है यार क्या ही कमाल तरीके से ड्रिफ्ट वगैरह मार सकती है। यहाँ पर टोयोटा ट्रक जो है ड्रिफ्ट तो मार सकती है पर इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। तो गाइस यहाँ पर क्लियरली ड्रिफ्ट के मामले में अपनी बड़ी वाली ग्रेव डिगर बहुत कमाल की मेरे को लग रही है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन तीनों कार्स में से कौन सी कार पसंद है। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट, पहला नाम आ जाता है आयुष यादव, विशाल, मुन्ना कुमार, महेंद्र, वैभव, अंगद, राज यादव, सलाम, आरुष, जीत दास। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।